नमस्कार दोस्तों। आज कई दिन हो गए हम लोगों को कि हम घरों में कैद हैं। बड़ी समस्या ये है कि आखिर हम घरों में खाली बैठकर करें क्या। कुछ अपने अपने रुचि के अनुसार लोग कार्य कर रहे हैं और कुछ ऐसे कार्य भी करना पड़ रहे हैं जिनमें कोई बाधकता है या कोई रुचि नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आज कुछ अलग करने का प्रयास किया जाए और आप लोगों से अपील भी की जाए कि आप लोग घर बैठे अगर कुछ योग के साथ योग वैसे तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याधार प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि को मिलाकर के होता है, परंतु वास्तव में हम लोग योगासन करते हैं। योगासन और प्राणायाम दोनों अलग अलग हैं, जबकि सामूहिक रूप से तमाम अष्टांग बिंदुओं को मिलाकर के योग का निर्माण होता है। परंतु आज मैं सिर्फ प्राणायाम की बात करूंगा। योगासन और प्राणायाम में थोड़ा सा अंतर है। अगर हम कोरोना की त्रासदी को सोचकर भी देखें तो इस कोरोना की त्रासदी में हमें ये बताया गया या हमें ये जो कुछ भी मालूम हो पाया कि हमारे जो श्वसन तंत्र या फेफड़ों में समस्या उत्पन्न कर रहा है कोरोना नाम का वायरस, और ये जो आपका गला है या ग्रीवा है इसके अंदर म्यूकस का संचय होता है और वो जो नीचे जा कर के आपकी श्वसन नाल को अवरुद्ध कर देता है। मेरा समझना है कि भले ही हम अपने योगासनों से या अपने प्राणायाम से भले ही हम कोरोना से उतने सशक्त तरीके से न लड़ पाएं, लेकिन कम से कम हम अपने शरीर को वो इम्यूनिटी वो रोग प्रतिरोधक क्षमता तो दे लेंगे जिसकी हमें आवश्यकता होती है या रहती है। बहुत ज़्यादा ना बोलकर आज मैं आपको आपसे बताना क्या आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं, सब ज्ञानी लोग हैं। मैं सिर्फ ये अनुरोध करूंगा उन लोगों से और जिनको जानकारी है और जिनको नहीं भी है उनसे सिर्फ ये अनुरोध करूंगा कि प्रारंभ में आप प्राणायाम के दो तीन प्राणायाम से प्रारंभ करें। प्राणायाम में सबसे पहले प्राण और आयाम। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है। प्राण का मतलब प्राणवायु और आयाम का मतलब समयावधि। प्राण और आयाम में प्राणायाम शब्द में प्राण और आयाम का बहुत महत्व है। आप प्राणवायु को अपने नासा छिद्रों से अपने फेफड़ों तक ले जाते हैं और वापस लाते हैं, उसके भी नियम हैं। परंतु प्रारंभ में हम उन नियमों की बात करने के बजाय हम ये कोशिश करें कि प्राणायाम को हम कैसे प्रारंभ करें। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम भर्त्सिका से प्रारंभ करें। भर्त्सिका प्राणायाम में आपको जो प्राणवायु है फेफड़ों तक ले जानी है और उसको वापस लाना है। फेफड़ों से सीधे वायु जब आप वापस करते हैं तो फेफड़ों पर भी दबाव डालना है। इससे आपको आपका जो प्रतिरोधक क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। और बड़े ही कम शब्दों में मैं भर्त्सिका की बात करता हूँ। आप देखिए कि भर्त्सिका में सांस को अंदर ले जाते हैं और बाहर लाते हैं बहुत आसान तरीके से। किसी भी प्राणायाम में प्राणायाम को करते समय आपको ये सावधानी रखनी है कि आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं होगा और बड़ी ही आराम से बड़ी ही
सुगमता से इन सारे के सारे प्राणायामों को किया जाना चाहिए। इससे कोई थकावट थकान नहीं आनी चाहिए और चेहरा पर आपके कोई तनाव नहीं आनी चाहिए। चलिए वर्षिका प्रारंभ करते हैं। धीरे धीरे आप देखिए, आप ये अनुभव करें कि ये जब आप पेट पर आप इस फेफड़ों से बाहर की तरफ पुश करते हैं तो फेफड़ों पर भी दबाव बनाना चाहिए, ताकि जब बाहर निकलती हुई सांस फेफड़ों से अनंतिम बिंदु तक के आपके अंदर की सांस बाहर आ जाए, ताकि आपके फेफड़ों में जो अंदर तक एल्वियोलाई के छिद्रों तक जो अशुद्ध वायु फंसी हुई है वो वापस निकले और वो परिवर्तित होकर के ऑक्सीजन लेकर के आपके फेफड़ों में जाए, ताकि आपके रक्त शोधन के साथ आपके फेफड़ों को भी इम्यूनिटी प्राप्त होती रहे। आप एक बार फिर से देखिए, इस प्रक्रिया में हमें सावधानी बरतनी है कि इस प्रक्रिया का एक नियम है कि जब आप सांस को अंदर लेते हैं तो वो सांस पूरक कहलाती है, पूरक, और जब सांस बाहर लेते हैं वो रेचक कहलाता है। और इसमें सांस को कुंभक में भी करना है, यानी कि अंदर सांस को रोक के रखना है। इसका अनुपात 1:4 और 2 का होता है, अर्थात आप मान लीजिए कि आप 10 सेकंड तक सांस को अंदर लेते हो तो 40 सेकंड तक के आपको रोकना है, और वो सांस जो 40 सेकंड आप रोके हैं उसको 20 सेकंड में धीरे धीरे बाहर करना है। परंतु प्रारंभ में आपको ऐसा करने से ना तो सलाह दी जाएगी और ना ही आप ऐसा कर पाने में सक्षम होंगे अगर आप शुरुआत कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं वो लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं वो ऐसा करने का प्रयास ना करें। केवल सांस को इससे आपके डायाफ्राम, फेफड़े और श्वसन तंत्र को शक्ति मिलती है। इसके बाद हम दूसरे प्राणायाम में जाएंगे, जो यूं समझिए कि बहुत आवश्यक है और राजा है प्राणायामों का, जैसे जिसको कपालभाति के नाम से हम जानते हैं। और कपालभाति की विधि थोड़ा सा इससे थोड़ी सी भिन्न है। इसमें हम सांस को ऊपर लेते हैं, अंदर की तरफ खींचते हैं और उसके बाद एक झट आप पुश करते हुए आप बाहर निकालते हैं। इस विधि को आप देखिए, प्रारंभ में 8 या 10 बार या जितनी भी आसानी है उसे आप कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप पूरक और रेचक के आयाम को बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद हम एक बहुत ही आवश्यक प्राणायाम को करेंगे, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम की प्रक्रिया के बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। आप अनुलोम विलोम आप बाईं तरफ से प्रारंभ करते हैं, बाईं तरफ से सांस को अंदर खींचेंगे और दाहिनी तरफ से निकालेंगे, फिर बाएं नासा छिद्र को बंद करके दाहिनी तरफ से अंदर ले जाएंगे और बाईं तरफ से निकालेंगे। ये अनुलोम विलोम का एक चक्र होता है। चलिए प्रारंभ करते हैं।
इस प्रक्रिया में भी पूरक, कुंभक और रेचक की विधि अपनाते हैं, परंतु प्रारंभ में आपको कुंभक पर ध्यान नहीं देना है, केवल पूरक और रेचक से प्रारंभ करना है। ऐसे ही एक चक्र पूरा करने के बाद आठ या दस के एक चक्र को आठ या दस बार करने के बाद आप दाहिनी तरफ से इसी प्रक्रिया को फिर से दोहराएंगे। और दाहिनी तरफ से रेचक करने के बाद इस प्रक्रिया का एक चक्र पूरा होता है। प्राणायाम में एक बात ध्यान रखनी है, अगर हम बाईं ओर से आठ या दस चक्र पूरे करते हैं तो उतने ही चक्र हमें दाहिने नासाछिद्र से करने के बाद भी पूरे करने हैं। मित्रों, आपसे निवेदन है, आपसे अनुरोध है कि आप घर पर खाली समय या आवश्यक रूप से इन प्राणायाम को करते रहें, और आगे अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं इसके अलावा भी कुछ पोस्ट डालूंगा ताकि आपको प्राणायाम से या कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी मिले, प्राणायाम से लाभ मिले और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि हो।